मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। शिवराज सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। एमपी में अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को दी गई सौगात पर सियासत तो होनी ही है। मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण लागू करने वाली कांग्रेस की सरकार और महिलाओं को अधिकार देने वाली कांग्रेस की सरकार, भाजपा केवल और केवल चुनावी पैतरेबाजी कर रही है। प्रदेश की महिलाएं इस झांसे में नहीं आने वाली। जिस कांग्रेस ने महिला को आइटम समझा हो, जिस कांग्रेस ने महिलाओं को तंदूर में भूना हो, वो कभी नहीं समझ पाएगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की बेटियों को किस प्रकार से सशक्त किया है। महिलाओं को मिले आरक्षण के तोहफे के बाद इसका गणित भी समझ लीजिए। राज्य की 18 सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा है। राज्य में महिला वोटर्स में 2.79% का इजाफा हुआ है और 7,07,000 नई महिला वोटर्स भी हैं। महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर सीएम शिवराज ने ये साफ संकेत दे दिया कि वो आधी आबादी को साधने में जोर शोर से जुट गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीतने से पहले ही अधिकारियों को नसीहत देने लगे। बीजेपी नेता ने चुनाव के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात भी कही। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने खुले मंच से कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब वो चुनावी मोड में आ चुके हैं और आत्मविश्वास से इतने भरे हैं कि इंदौर के अधिकारियों को अभी से संदेश दे रहे हैं। इंदौर के लोग भी समझ गए अधिकारी कि अब तो रात की नींद कभी भी खराब हो सकती है, ये समझ गए सब लोग। मतलब मेरा नाम जैसे डिक्लेयर हुआ ना तो आधे लोगों की तो नींद उड़ गई है। इंदौर में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे कैलाश विजयवर्गीय ने खुलेआम ये भी कह दिया कि वो सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वो पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दे दी गई है।